है कि इंडिया का 15 मेंबर वर्ल्ड कप स्क्वाड का एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो आईपीएल फाइनल में खेल रहा होगा या एसआरएच से या केकेआर से। चैंपियन गुरु के साथ पाकिस्तान तैयार, क्या वर्ल्ड कप जिताएंगे बाबर इस बार? पाकिस्तान ने क्या गेंदबाजी की है यार आखिर के 5 ओवरों में। डेथ बॉलिंग उनकी इतनी खतरनाक, और आज से बाद में मोहम्मद आमिर को एक्शन में मैंने देखा, मुझे खुशी हुई। एक ऐसी टीम जो कि अपने दिन पर किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है तो यकीनन पाकिस्तान की ही टीम है। पाकिस्तान की गेंदबाजी पहले भी दमदार थी, अब भी दमदार है। 15 जो मेंबर आपने वर्ल्ड कप टीम चुनी है वो किसी भी प्लेयर की टीम फाइनल में नहीं पहुंची। मजबूत और खतरनाक पेस अटैक, जी हाँ पेस अटैक तो यहाँ पर इस टीम की ऐसी ताकत है जिसे आप कह सकते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। कि फेज में ऐसा हुआ कि जब इमाद वसीम, उन्होंने बड़ा तगड़ा स्पेल डाला, इमाद वसीम और आमिर दोनों रिटायरमेंट के बाद आ रहे हैं। आमिर को तो आपने लास्ट में देख लिया, इमाद भी वापस आए और इमाद ने बेस्ट बॉल डाला है और नसीम शाह इस टीम का हिस्सा, 4 अच्छे अच्छे तेज गेंदबाज इस टीम में नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये टीम कहीं ना कहीं एक फास्ट बॉलिंग की बहुत खतरनाक यूनिट है। संजू सैमसन बैटिंग करने आए थे और क्या सर को मैं इस मैच के पहले बताया जाता थोड़ी देर पहले, मैंने लिटरली उस प्रेशर सिचुएशन में संजू की टांगों को कांपते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच हार गया 23 रन से, लेकिन आज भी इंडियन मीडिया में पाकिस्तान के बॉलिंग लाइन के चर्चे हैं। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अमर और शहीन शाह अफरीदी की और नसीम शाह और हारिस रऊफ के आने से काफी मजबूत नजर आ रही है। बेशक पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम आज भी एक खतरनाक टीम है और इंडिया ने जो वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजी है उसमें कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो आईपीएल का फाइनल खेल रहा हो। आइए इसके ऊपर देखते हैं कि विक्रांत गुप्ता क्या रद्द अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में कितने इंडिया के प्लेयर है? बड़का वाले रिंकू और जो टीम दूसरी है हैदराबाद एसआरएच उसकी टीम में दो है, एक अच्छा हैदराबाद में भाई, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। सिफर ना सारे फ्री है। आज क्लोजिंग कैमरे में तो नहीं देखा, लेकिन इंडिया का एक मैच था, संजू सैमसन बैटिंग करने आए थे और क्या सर को मैं इस मैच के पहले बताया जाता थोड़ी देर पहले, मैंने लिटरली उस प्रेशर सिचुएशन में संजू की टांगों को कांपते हुए देखा है, कांपते हुए देखा है भाई साहब। अब जब आप काबिलियत हो लेकिन मतलब ये ना हो ना जिगर, वही चीज देन भाई आपसे वो काबिलियत उसी समय पूरी कैसे खड़ा कैसे होगी। मेरे ख्याल से दो बातें हुई हैं। एक बात ये हुई है कि इंडिया का 15 मेंबर वर्ल्ड कप स्क्वाड का एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो आईपीएल फाइनल में खेल रहा होगा या एसआरएच से या केकेआर से, रिंकू रिजर्व में, आप सब जानते हैं। आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड साइन कि 15 जो मेंबर आपने वर्ल्ड कप टीम चुनी है वो किसी भी प्लेयर की टीम फाइनल में नहीं पहुंची। नंबर वन। नंबर टू, आज हैदराबाद की जीत के स्टार्स दो यंग इंडियन प्लेयर्स हैं, अभिषेक शर्मा शाहबाज अहमद, जो अभी दूर दूर तक दूरबीन से भी आपकी इंडिया की टीम की रेकनिंग में नहीं। चैंपियन गुरु के साथ पाकिस्तान तैयार, क्या वर्ल्ड कप जिताएंगे बाबर इस बार? जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप की अगर किसी भी अनप्रेडिक्टेबल साइड की बात की जाए, एक ऐसी टीम जो कि अपने दिन पर किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है तो यकीनन पाकिस्तान की ही टीम है। लेकिन पाकिस्तान की टीम की एक कमजोरी यह भी है कि ये अपने खराब प्रदर्शन पर आए तो सबसे कमजोर से कमजोर टीम से भी हार सकती है, इसीलिए इसे सबसे अनप्रेडिक्टेबल साइड कहा जाता है। पिछली बार जब 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब ये टीम फाइनल तक पहुंची थी जहां पर इंग्लैंड के हाथों से हार मिली थी, लेकिन अब एक नए T20 वर्ल्ड कप के लिए वापस बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमान सौंपी है। कितनी तैयार दिख रही है ये टीम, तो चलिए पहले नजर डालते हैं जल्दी से उन 15 नामों पर जिस पर इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके सेलेक्टर्स ने दाव खेला है। बाबर आजम है, सैम अयूब है, मोहम्मद रिजवान है, फखर जमा है, आजम खान है, उस्मान खान है, इफ्तिकार अहमद है, इमाद वसीम है, शाहीन अफरीदी है, शादाब खान है, मोहम्मद आमिर है, अब्बास अफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। अपने आप इस टीम को देखें तो एक अच्छी टीम यहां पर नजर आ रही है और इस टीम की कई ताकत है, और अगर आप देखें तो चाहे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हो चाहे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हो, ऑलराउंडर्स की हो, फास्ट बॉलिंग की बात हो, ओवरऑल ये टीम T20 के लिए एक अच्छी साइड नजर आ सकती है। प्लेइंग 11 तो बहुत अच्छा बनेगा। सबसे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान की ताकत पर, क्योंकि ये इस टीम का सबसे ज्यादा एक्स फैक्टर रहेगा, अच्छे और T20 के बड़े बल्लेबाज। जी हां, इस वक्त अगर पाकिस्तान टीम की ताकत की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम में बड़े बड़े नाम है। इस बार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पारी का आगाज नहीं करेंगे, लेकिन बाबर आजम के साथ ऐसा माना जा रहा है कि सैम अयूब जो है वो पारी का आगाज कर सकते हैं। टीम के मिडिल ऑर्डर में जहां पर इफ्तिकार अहमद हैं, उस्मान खान जैसे खिलाड़ी हैं, ये भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में आपको मोहम्मद रिजवान, फखर जमा की जो सिचुएशन है ऊपर नीचे होती हुई नजर आ सकती है। तो मजबूत और खतरनाक पेस अटैक, जी हाँ पेस अटैक तो यहां पर इस टीम की ऐसी ताकत है जिसे आप कह सकते हैं।
सकते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है। इस टीम के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई बड़े नाम है। आप हारिस राउफ की थोड़ी सी फिटनेस कंसर्न्स है लेकिन उनकी टीम में मौजूदगी है। बड़े नामों से शाहीन आफरीदी से शुरू कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर इस टीम का हिस्सा है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें खास तौर से वापस लाया गया है। और नसीम शाह इस टीम का हिस्सा है। चार अच्छे अच्छे तेज गेंदबाज इस टीम में नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये टीम कहीं ना कहीं एक फास्ट बॉलिंग की बहुत खतरनाक यूनिट है। अब चौथी ताकत क्या है इस टीम की, बतौर कोच गैरी कर्स्टन का जुड़ना। जी हाँ, गैरी कर्स्टन जिनकी कोचिंग के साथ टीम इंडिया जो है 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई थी, वो अब पाकिस्तान टीम के कोच बन चुके हैं। और उन्हें अगले दो आईसीसी इवेंट्स के लिए T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो होने वाली है पाकिस्तान टीम के साथ पीसीबी ने जोड़ा। तो यहां पर एक फ्री हैंड दिया गया है गैरी कर्स्टन को। उसकी बाद के 5-6 ओवरों में तो रन ही नहीं आया। आई थिंक लास्ट 5 ओवरों में सेंचुरी ने की थी, 14 ओवर तक जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, बाद के 6 ओवर में तो उनके रन ही नहीं आए, कुछ 39 या 40 रन आए। हाँ, लास्ट के 5 ओवर में रन्स नहीं आए। आखिरी ओवर में अगर जोफ्रा आर्चर ने एक चौका और एक छक्का नहीं मारा होता ना, दिन 10 रन कम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या गेंदबाजी की यार आखिर के 5 ओवरों में। डेथ बॉलिंग उनकी इतनी खतरनाक, और आज से बाद में मोहम्मद आमिर को एक्शन में मैंने देखा, मुझे खुशी हुई। एक बल्लेबाज बनाता है 84 रन उनके कप्तान इंग्लैंड के बटलर, जैक्स बनाते हैं 37, बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया इंग्लैंड की टीम को, जिस टीम को आप कहते हैं स्कोर ठीक है 183 है, लेकिन जिस इंग्लैंड की टीम को कहते हैं कि यार ये तो टीम टू बीट होगी वर्ल्ड कप में, उन्होंने कुछ खास किया नहीं। पाकिस्तान की गेंदबाजी पहले भी दमदार थी, अब भी दमदार है। इसकी फेज में ऐसा हुआ कि जब इमाद वसीम, उन्होंने बड़ा तगड़ा स्पेल डाला, इमाद वसीम और आमिर दोनों रिटायरमेंट के बाद आ रहे हैं। आमिर को तो आपने लास्ट में देख लिया, इमाद भी वापस आए और इमाद ने बेस्ट बॉल डाला है। और इमाद जब बॉल डाल रहे थे और वो स्पिनर शादाब भी उनके साथ बॉल डाल रहे थे, क्योंकि हिंदी में ही बात करते हैं वहां पर, तो उन्होंने बोला कि पीछे का कि भाई थोड़ा सा पीछे रख, लेंथ पर बॉल डालकर हल्का बॉल डाल रहे हैं, क्योंकि स्लोविश थोड़ा सा सरफेस है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।